इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोड जो एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का 2016 में, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर। और बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो इसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का पेपर कैसा आता है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं हम लोग। इस तरह का पेपर आएगा आपका, ठीक है। तो पहला पोर्शन जो है वो जनरल स्टडी का है, मेक इन इंडिया कैंपेन वाइज लॉन्च ऑन, तो ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सितंबर 25, 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद है विच एनिमल इज डिक्लेयर्ड अघन्या इन ऋग्वेदा, तो इसका आंसर हो जाएगा काऊ, गाय को बोला जाता था। थर्ड क्वेश्चन है एज ऑन जनवरी 15, 2015 द स्टेटस ऑफ रेपो रेट मॉडिफाइड बाई RBI वाज, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था रेपो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.75%, तो ये रिलेवेंट नहीं है अभी के हिसाब से, उस समय का क्वेश्चन था ये। जेरोप्थैल्मिया इज डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, आंसर हो जाएगा विटामिन ए। इसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड द सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको, क्यूबा को। कील इज एबसेंट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डक में, बतख में नहीं होता है कील। फिर इसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इसका आंसर हो जाएगा 167, आर्टिकल 167। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, क्या नहीं बनता हमारे शरीर में, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ये नहीं बनता हमारे शरीर में, बाकी ये तीनों बनते हैं प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट, किसका उपग्रह नहीं है, किस सैटेलाइट किस ग्रह का, इसका आंसर हो जाएगा क्या, वीनस, वीनस माने शुक्र। इसके बाद है हु अमंग्स द फॉलोइंग कैप्टन द श्रीलंकन टीम इन द फाइनल मैच ऑफ ICC वर्ल्ड T20, तो T20 में श्रीलंका टीम का कैप्टन कौन था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रिलेवेंसी नहीं है इसका, ठीक है। अब तो करंट अफेयर्स भी पूछता ही है ये, तो आप हम लोग को सबको पता ही है, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है अपना, हाँ पिछले वीडियो में क्या क्या पूछता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है वगैरह। विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज द शॉर्टेस्ट वन, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। फिर इसके बाद क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फ फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट किससे मिलकर किससे बना होता है, किसके मेटामॉर्फिजम से, रूपांतरण से, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन। अरिहंत इज, अरिहंत क्या है, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन था ये। इसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग ज्वाइंड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014, कौन थे डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, डिप्टी गवर्नर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस समय थे SS मुद्रा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, तो कॉटन के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन, रेगर या फिर ब्लैक सॉइल, इसी को ही बोला जाता है। द सेवंथ ब्रिक्स समिट ऑफ 2015 वाज हेल्ड इन रशियन सिटी ऑफ, कहाँ पे, रसिया में कहाँ पे हुआ था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उफा में, रसिया के उफा में हुआ था 2015 का ब्रिक्स। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्रेलिन। फिर इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम का। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ऑन अ सरोद, सरोद पे कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 7। ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, तो ल्यूमेन बोला जाता है किसको, किसका है ये
ब्राइटनेस का. द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन जबलपुर. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमॉर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय. ये वंदे मातरम किसने लिखा? आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ठीक है, तो ये हो गया जनरल नॉलेज. फिर इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन, तो इफ द नंबर ऑफ नंबर इज एडेड टू टू फिफ्थ ऑफ इट सेल्फ द वैल्यू ऑफ सो ऑब्टेंड इज 455, व्हाट इज द नंबर. तो ये तो आसान क्वेश्चन है, टू फिफ्थ ऑफ इट सेल्फ यानी x प्लस 2x/5 बराबर 455. इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 325. फिर इसके बाद रूट 6 प्लस 1 का सिंप्लीफिकेशन है ये, रूट 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स प्लस 2√6. तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 प्लस 1 प्लस 2√6 बराबर x प्लस 2√6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 7. ठीक है, इसके बाद द बॉडी वेट ऑफ 7 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 70 किलो 64 किलो 55 किलो 81 किलो 45. व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट? सबको जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए. तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्या? ऑप्शन ए 69 kg. द कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 12 पर्सेज इज 1520. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 बैग्स एंड 30 पर्सेज? तो कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें हमको देखना है 10 बैग का पूछ रहा है और 30 पर्स का, तो हमको लेके चलना है कहाँ पे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें निकाल लेंगे हम लोग 2 का पता चल जाएगा और इधर से क्या पता चल जाएगा हमको 6 का. तो इसको आधा कर देंगे 1520/2. तो ये 2 बैग और 6 पर्स का हमको दे देगा वैल्यू. ठीक है, 2 बैग और 6 पर्स का वैल्यू हमको दे देगा कितना, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमको आंसर मिल जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी 3800 रुपया. उसको डिवाइड कीजिए आप 1520/2, तो कितना आएगा 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 2 × 6 = 75, 5 × 33 = 3 × 7 = 35, 3 × 3 = 3800. ठीक है, तो उतना कोई टफ क्वेश्चन रहता नहीं है. वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री, व्हाट विल बी द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंगल एंड ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 215 डिग्री. ठीक है, उतना समय नहीं है हम लोग के पास, ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. फिर इसके बाद द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 256 square centimeter. तो साइड कितना हो जाएगा 16. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डबल ऑफ इट्स पेरीमीटर? तो 4a इक्वल्स पेरीमीटर और 4 × 16 × 2 कर दीजिए. ठीक है, 16 × 32 = 128, इसका आंसर हो जाएगा. इसके बाद है 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 14 बॉयज? तो इसको आसान है, 6 × 42 इक्वल्स कर दीजिए आप 14 × x. इसको फिर सॉल्व कर लेंगे हम लोग. ठीक है, 6 × 42 = 14 × x, 3 से इसको 14 से डिवाइड कर दीजिए, 14 × 3 = 18 आंसर हो जाएगा इसका. फिर 33 राम परचेज एन आइटम फॉर ₹18 टू 8200 रुपये में, सोल्ड 35% फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज इज ओवरऑल गेन और लॉस? इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 8200 गेन कितना है 1.35, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस उसका, और उसको वो क्या कर रहा है फिर बेच रहा है 20% के लॉस पे. इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 656 रुपये का गेन होगा फिर भी उसको. नेक्स्ट है 7² + 3⁴ - 4³ - 11² तो 49 81 - 64 = x - 121. सॉल्व करेंगे इसको तो 34 का आंसर हो जाएगा क्या? 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 187. फिर व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 4523 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो 4523 में क्या जोड़ेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 101. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज 3100. इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन द स्कूल इज इतना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स? तो कुछ नहीं करना है, इट्स 842 + 842 × 3100. इसको सॉल्व करेंगे 36 का आंसर मिल जाएगा क्या हमको? ऑप्शन सी 16840.
इसके बाद नेक्स्ट वन आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच वन इज द सेकंड लोएस्ट, दूसरा सबसे छोटा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इजिली सॉल्वेबल है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7/18। फिर अगला है, और इसको सिंप्लीफाई करना है 3/4, 5/6, 7/10, 1664 का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 39 हो जाएगा, इफ 20 क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर द आंसर सो ऑब्टेंड इज 4321, व्हाट इज द नंबर स्क्वायर ऑफ नंबर द आंसर। अच्छा, तो x माइनस 20 क्यूब इज इक्वल टू 4321, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ नंबर ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो 20 का क्यूब जो है 2 × 4 × 2 = 8, 8/3 = 0, ये इधर चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर है, तो इसको अंडर रूट में ले लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 39 का ऑप्शन ए 111। फिर नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड पावर्स बी अरेंज्ड। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है ये, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 अलग है, तो 6 फैक्टोरियल से इसको अरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 720, 6 factorial = 720। फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56934। 42 है, इफ 9 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर द वैल्यू सो ऑब्टेंड इज 544, व्हाट इज द नंबर। सेम क्वेश्चन पिछले वाला, इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 25। 43 सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करेंगे इसको, 43 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 3 × 3.6/11। इसके बाद है 44, व्हाट इज 214 × 98, मल्टीप्लाई करना है 214 को 98 से, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20972। 15% ऑफ एक्स इक्वल्स 94.5, तो 15y 100 कर दीजिए इंटू एक्स बराबर 94.5, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 630। अगला है 61% ऑफ अ नंबर इज 9028, व्हाट इज 46%, तो 61/100 इंटू एक्स बराबर 9028, यहाँ से एक्स निकल के आ जाएगा, उसका कर देंगे हम लोग एक्स इंटू 0.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 46 का ऑप्शन डी 6808। अगला है, बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1488 किलोमीटर इन 24 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो 1488 अपॉन में कर देंगे 24 से डिवाइड, इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, कुल दूरी बटा कुल चाल। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्यूर्ड ऑन अ सम ऑफ 1800 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 2 ईयर्स, 1800 का पूछ रहा है 4% पे, तो यानी 1.04 × 1.04 कर देंगे इसको, आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा कितना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 146.88। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय 5:4, 4 years ago the boy's age was 24 years, what will be the girl's age after 5 years। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 5x और 4x मान लेंगे, 4 years ago बोल रहा है तो 5x − 4, 4x − 4, the boy's age was 24 बोल रहा है, ठीक है, तो 4x − 4 = 24, तो इधर चला जाएगा 28x = 7, यानी 28, what will the girl's age after 5 year, ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 5x मेरा गर्ल का एज है, तो 7 × 5 = 35, और 5 साल बाद पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 40। और 50 जो है सिंप्लीफिकेशन है, 648/54 × 14, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी 168, ठीक है। इसके बाद आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 letters चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी ट्रांजिटरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, इसका आंसर हो जाएगा 52 का ए पैसिफिस्ट बोलते हैं उसको। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, तो इसको बोला जाएगा क्या 53 का ए क्रेडुलस। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग जिसका गलत है वो बताना है, तो 54 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्ड्यूस, ये गलत है। ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन हिपर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन, फिलर है ये क्वेश्चन,
फिल करना है इसमें हमको, तो 55 का आंसर हो जाएगा रियलाइज। 56 का हो जाएगा ऑल द एप्लीकेंट डैट एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस नेक्स्ट वीक, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर टू बी रैंक्ड। गलत वर्ड चुनना है हमको 57 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन डी एनिमीज गलत लिखा है। फिर गलत खोजना है हमको मिस स्पेल्ड, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी इज ब्यूटीफुल भरना है इसमें 59 में, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड कंजंक्शन से। ऑल द डिसीजन डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाई कंसेंसस, 60 का आंसर हो जाएगा हाउएवर। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, फिलर है ये और इसमें टेंथ वाला भरना है हमको, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए हैड डिपॉजिटेड। सी हैड फ्रिक्वेंट टूथ एसेस सो सी डिसाइडेड टू, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैव हर टीथ रिमूव्ड। 63 एट वन टाइम मिस्टर राम डैश दिस सुपर मार्केट, 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओन्ड। अपोजिट बताना है रिपेल का अट्रैक्ट, ठीक है 65 में है एपेलिंग, इसका अपोजिट बताना है, तो एपेलिंग का अपोजिट हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन सी कंसोलिंग। पैसिफाई का 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनरेज। 67 है साइनोनिम्स बताना है हमको सिनोनिम, तो वेकेंट का हो जाएगा आपका क्या 67 बोलते हैं इसको हो जाएगा आंसर कॉल्ड, वेकेंट मीन्स कॉल्ड। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का आंसर हो जाएगा 68 का डी स्टबर्न जिद्दी को बोलते हैं। डेक्रेपिट्यूड का साइनो हो जाएगा क्या मेरा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीवलनेस। आर यू रियली डेजरस डैश विजिटिंग जापान, 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑफ, प्रीपोजिशन भरना है इसमें। द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट, तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपेक्ट, बी एक्सपेक्ट। द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिमार्केबल। 73 देखते हैं द किंग चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, इसका मीनिंग बताना है idioms and phrases है। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू हैव टू अपोलोजाइज। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन अनकॉम्प्लीमेंटेड वन, ठीक है एन ओपन बुक मीन्स एन अनकॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लिकेटेड सॉरी अनकॉम्प्लीमेंटेड बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड वन खुली किताब। ही हैज अ वेरी नाइस मैनर बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मीनिंग बताना है हमको। 75 का आंसर हो जाएगा टू टॉक सेंसिबली। इसके बाद आता है हमारा हिंदी का पोर्शन, तो हिंदी के पोर्शन में 76 का बताना है बेमेल शब्द चिन्हित करना है, तो 76 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन बी आधी। 77 में हो जाएगा मस्तक शीर्ष, ठीक है 77 का डी। 78 का कठिनाई जटिलता समस्या का आंसर हो जाएगा खेद। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची स्वर्ग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्यौ। भागीरथी का हो जाएगा क्या गंगा। रात्रि का हो जाएगा 81 का सी, ठीक है विभावरी बीती विभावरी जागरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, तत्सम बताना है। 82 का हो जाएगा आंसर हमारा पाली। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस पूछ रहा है रामायण संस्कृत में रामचरितमानस मानस मगधी मगधी सॉरी बोल रहे हैं अवधि। 83 का सी। नीलगाय में कौन सा समास है, तो 84 का आंसर हो जाएगा हमारा ए कर्मधार नीला गाय। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए पर में कौन सा कारक है, तो मे पर क्या आंसर हो जाएगा 85 का
ऑप्शन बी अधिकरण। छह वर्ण किसके संयोग से बनाया, तो क प्लस स इक्वल्स छ, यानी 86 का आंसर हो जाएगा ए। उन्नति में कौन सा संधि पूछ रहा है, तो उत्त जोड़ नति हो जाएगा ये, तो व्यंजन। 88 का रेखांकित में कौन सा रेखा जोड़ अंकित, तो आंसर हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि। 89 पूछ रहा है, तो 89 में संसार में सम जोड़ सार, तो आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है दशानन में समास बताना है, तो 10 है आनंद जिसके वह अर्थात रावण बहुब्रीही, पीताम्बर कर्मधारय, नहीं कम कर्मधारय नहीं होगा, 91 में तत्पुरुष पीला अंबर। 91 दिया रहता तो कर्मधारय होता फिर पीताम्बर। यथाशक्ति अव्ययी भाव शक्ति के अनुसार। इसके बाद मुहावरा का आंसर बताना है, तो मुहावरा में 93 में हो जाएगा आपका क्या, 93 का आंसर हो जाएगा सी, अंधे के हाथ बटेर लगना का। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका आंसर हो जाएगा 94 का डी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। 99 के फेर में पढ़ना का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन कमाने में लगा रहना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा चंद्रवरदाई ने लिखा था 96 का डी, ठीक है, पृथ्वीराज विजय। तितली किसकी रचना है, तो तितली लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और सॉरी उसके पहले ये है आत्मकथा हिंदी में लिखी थी सबसे पहले, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी ये किस काव्य की पंक्तियां हैं, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोधरा का। और 100 जो है कबीरदास की भाषा थी क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा सधुक्कड़ी। तो ये हो गया 100 क्वेश्चन 2016 का सिविल कोड का ये क्वेश्चन है। तो आप देख के बता सकते हैं अब कि क्वेश्चन पेपर इतना भी आसान नहीं आता है, चारों पोर्शन में आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश और जीके, इस पर खास फोकस करना पड़ेगा। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।